और 9 सेकंड में अब आपको दिखाएंगे राजनीति से जुड़ी खबरें। पीएम मोदी आज करेंगे करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज मोदी कैबिनेट की बैठक, पीएम मोदी के इस कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक में ले सकते हैं बड़े फैसले। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट के सहयोगियों का जता सकते हैं आभार। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह, शाम 4 बजे दिल्ली के नारोजी नगर में कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। महाराष्ट्र में आज किसानों को संबोधित करेंगे शरद पवार, प्याज उत्पादकों को भी करेंगे संबोधित, नासिक में करेंगे जनसभा, किसानों से भी करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर चुनाव आयोग की टीम, आज लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने के सवाल का मिल सकता है जवाब, कल राज्य के सियासी दलों से मिली चुनाव आयोग की टीम। जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट JKNF गैर कानूनी घोषित, गृह मंत्रालय ने 5 साल के लिए बैन किया, जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने का है आरोप। ममता बनर्जी पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का निशाना, कहा हार के डर की वजह से ममता बनर्जी भ्रम पैदा कर रही, गलत और झूठे चुनाव अभियान चला रही। बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर बोले बैरकपुर से TMC सांसद अर्जुन सिंह, मैं कहीं नहीं जा रहा। अर्जुन सिंह को लोकसभा चुनाव में TMC ने नहीं बनाया प्रत्याशी। रांची में मंगलवार को एक साथ कई ठिकानों पर छापा, ईडी टीम की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, शशि भूषण सिंह समेत कई लोगों के 17 ठिकानों पर रेल। RJD MLC के आवास पर मिली शराब और प्रतिबंधित कछुआ, बीजेपी ने कहा RJD शराब माफिया का सरगना, आयकर विभाग की टीम ने मारे थे छापे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मॉरिशस दौरा, आज राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगी शामिल, 2 युद्ध पोतों के साथ भारतीय नौसेना की एक टुकड़ी भी समारोह में हिस्सा लेगी। और कोर्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें अब आपको बताएंगे 9 सेकंड में। CAA लागू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुस्लिम संगठन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, आज करेंगे सुप्रीम कोर्ट से मामले पर तुरंत सुनवाई की मांग। तेलंगाना में CAA को लेकर बोले गृह मंत्री अमित शाह, तुष्टिकरण वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस कर रही CAA का विरोध, लाखों लोग अपना धर्म बचाने के लिए आए भारत। CAA की अधिसूचना जारी होने पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला, कहा बीजेपी चुनाव में ले रही धर्म का सहारा, CAA में भी सिर्फ मुसलमानों को ही चुनकर निशाना बनाया गया। CAA के बहाने स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर प्रहार, कहा जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लाया गया CAA, चुनावी भ्रष्टाचार छिपाने की हो रही कोशिश। केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर ने CAA की तारीफ, बोले पड़ोसी देशों में प्रताड़ित किए जा रहे अल्पसंख्यकों को CAA कानून से मिलेगी भारत की नागरिकता, विपक्षी पार्टियां CAA पर फैला रही भ्रम। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी का बयान, कहा CAA कानून में नहीं है कोई स्पष्टता, CAA के विरोध में पैदल मार्च करेंगी ममता बनर्जी। बस्ती दौरे पर पहुंचे बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल, बोले CAA के बहाने राजनीति कर रहा विपक्ष, पीएम मोदी की तारीफ की, विपक्ष पर लगाया देशहित के कामों में अड़ंगा लगाने का आरोप। असदुद्दीन ओवैसी का CAA को लेकर आरोप, कहा मुसलमानों के साथ हो रहा अन्याय, CAA देश के संविधान के खिलाफ, अभी लाखों कश्मीरी पंडित भी कश्मीर से है बाहर, उनको भी कश्मीर में बसाना चाहिए। CAA लागू होते ही उत्तराखंड के रुड़की की कविता को जगी आस, सब भारत की नागरिकता मिलने की उम्मीद, 2009 में पाकिस्तान से भारत आया था परिवार, कविता को अभी तक नहीं मिल पाई थी नागरिकता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।